नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है सुमन पॉल और आप लोग देख रहे हैं पेट सिंपल नाम का अपना हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज जो आप बात है आप लोग से शेयर करने वाले कि आप किस तरीके का बज्जीस परचेस ना करें, मतलब किस तरीके का बज्जीस आप देख के पहचान सकेंगे अगर आप स्टॉक में नए हैं कि आपको इस तरीके का बज्जीस बाय नहीं करना है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि आप किस तरीके का बज्जीस बाय करें, ठीक है, कैसे देख के बाय करें कि ये बज्जीस बढ़िया है हेल्थ के लिए, हाउ टू बाय ए हेल्दी बज्जीस, ऐसा वीडियो मेरे एक चैनल पर आपको मिल जाएगा कैसे हेल्दी बज्जीस बाय करें। लेकिन आज का जो वीडियो है वो आपको मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे जो ख़राब बज्जीज होते हैं जो कभी ब्रीड करने वाले नहीं होंगे वो ऐसा बज्जीज मेल और फीमेल जिसकी एज ज़्यादा होगी आप कैसे पहचान कर सकेंगे कि ये ब्रीड ना करेगा। अगर एज भी कम भी है तो भी ये ब्रीड करने में टाइम लगाएगा, देरी लगाएगा और साल में बहुत कम ब्रीड करेगा, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ऐसा कुछ वीडियो के टिप्स आप लोगों से आज शेयर करूँगा, ठीक है। तो आते हैं कि मेल की तरफ, ठीक है। तो देखिए मेल आपको बहुत सारे मेल मिल जाएंगे मार्केट में या शॉप या आपके किसी सेटअप पे दोस्त के पास। अब मेल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, अगर आपने मेल परचेस किया है चर्बी वाला, ठीक है, अगर आपने मेल परचेस किया है ओवर एज का थोड़ा प्रॉब्लम है, एज ज़्यादा है, तो उतना प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होगा, वो मादी फिर भी ब्रीड करेगा और बच्चे को अच्छी तरह से पालेगा और कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। प्रॉब्लम होता है सभी में, प्रॉब्लम होता है जो फीमेल होता है मादी, उसमें ही सारे प्रॉब्लम होते हैं। उसको अगर चर्बी लग जाए तो आपके पूरा पेयर ख़राब हो जाता है, आपको मादी सेल या नर सेल करना ही पड़ेगा, दोनों पेयर को सेल करना पड़ेगा या मादी को सेल करके एक नया मादी परचेस करके या खरीद के लेके आना पड़ेगा। चर्बी एक बहुत ज़्यादा एक पॉइंट है, ठीक है, चर्बी में बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। अब जो दो लोग नए हैं शौक में तो उनको नहीं मालूम है कि चर्बी कैसे देखते हैं, या आपका पेयर है कि चोंच से चोंच मिला रहा है, मेटिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हांडी में भी जाके हमेशा बैठ जाता है, लेकिन एक दो महीना हो चुका वो एक नहीं देता है, हांडी के ढक्कन के ऊपर बैठता है तो भी वो एक नहीं देता है, आप सब कुछ फीड वीड देते हैं फिर भी वो एक नहीं देता है। तो बहुत से लोग ऐसे कमेंट में सवाल करते हैं कि ये मेरा बज्जीस ब्रीड नहीं कर रहा है, एक नहीं दे रहा है, कोई उपाय बताइए, ठीक है, कोई मेडिसिन। देखिए मेडिसिन देने से कोई काम नहीं होगा, उसकी एज ज़्यादा है हो सकता है, या वो कभी भी एक नहीं देगा, ऐसा प्रॉब्लम वाला बज्जीस हो सकता है आपके पास, या फिर वो चर्बी वाला हो सकता है, या फिर उसे लेग में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मेल में कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारे मसले होते हैं। तो आज कुछ जो है कि आपको फीमेल दिखाता हूँ कि ये फीमेल कभी भी ब्रीड नहीं करने वाला, मेरे हाथ पे ये ज़रा गौर से देखिए, ये एक फीमेल है, ठीक है, इस फीमेल को ज़रा गौर से देखिए, इस फीमेल को ज़रा गौर से देखिए, एकदम तरोताज़ा फीमेल है, ठीक है, इसकी हेड देखिए कितना बढ़िया क्वालिटी का हेड है, चोंच देखिए, चोंच भी एकदम बढ़िया क्वालिटी का है, ठीक है, और आंखों में रिंग भी आ चुका है, ठीक है, सब कुछ एकदम बढ़िया क्वालिटी का, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका जो है कि जहाँ से ये पूप वगैरह काटता है पीछे वगैरह वहाँ पे देखिए चर्बी लग गई है, ठीक है, वहाँ पे ज़रा गौर से देखिए चर्बी लग गई है, ठीक है, इस चर्बी को हटाना उतना आसान नहीं है, अगर आप बड़े सी कॉलोनी में रखेंगे तो बहुत दिन लग जाएगा, बहुत टाइम ज़ाया होगा, लेकिन वो फिर भी एक दे सकता है, लेकिन वो हमेशा ब्रीड करेगा, ठीक है, बढ़िया क्वालिटी का ब्रीड करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, वो गारंटी नहीं है। तो ज़्यादातर ब्रीडर लोग यही करते हैं कि जिनको चर्बी लग गई है आप उसको चर्बी को निकालने की कोशिश कर सकते हैं, करके सेल कर दीजिए, उनसे ब्रीड ना लें। यही प्रॉब्लम इसमें भी हुआ है, इसको भी चर्बी लग गई है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि चर्बी को कैसे आप देख सकते हैं कि इसकी इस बर्ड्स को चर्बी लग गई है, आपको कैसे मालूम चलेगा अगर स्टॉक में अगर आप नए हैं तो इस तरीके का बज्जीस आप बाय ना करें। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे पकड़ लिया है, और आप ज़रा गौर से देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब इसको हाथ देंगे तो हाथ से अगर इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो इस जगह पे आपको मालूम चल जाएगा कि नॉर्मल जो पट्टे होते हैं, नॉर्मल जो बज्जीस होता है, उनका यहाँ पे एक हड्डी जैसा आपको मिल, आप अगर हाथ देंगे तो आपको हाथ में महसूस होगा एक हड्डी जैसा, लेकिन आप इसके अगर इस मादी के अगर इस जगह पे हाथ देंगे तो आपको कोई भी हड्डी महसूस नहीं होगा, पूरा हड्डी
चर्बी या गोश्त या मांस से पूरा ढक चुका होगा, ठीक है। कोई भी हड्डी आपको इस जगह पे नज़र नहीं आएगा। और ज़रा सीने की जगह पे चेक कीजिएगा, ये जो सीना है यहाँ पे नॉर्मल जो बजीज होता है, जो यंग पट्टा होता है, ये थोड़ा सा हड्डी बाहर हुआ होता है, मतलब हल्का सा, और इस साइड में मांस और या मीट या गोश्त आप जो भी बोले भरा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हड्डी आपको नज़र आएगा, लेकिन इस पे कोई भी हड्डी आपको नज़र नहीं आएगा। और आप अगर ज़्यादा डीप से इसको हाथ देंगे, ठीक है, ज़्यादा डीप से अगर टच करेंगे तो आपको हड्डी महसूस होगा, मतलब हड्डी जो इसकी मांसपेशी है उसके बहुत ही ज़्यादा डीप में और गहराई में इसकी हड्डी आपको नज़र आएगी। तो इससे आपको पता चलेगा कि इस सीने की जगह पे पूरी जगह पे चर्बी भरी हुई है। और यहाँ पर देखिए, ये जो सीना है ना, ये जो सीना है यहाँ पर अगर आप इसको हाथ देंगे, ऐसे करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक नॉर्मल जो बजीज होता है, ठीक है, दो तीन बजीज आप और भी पकड़िए, जब आप बर्ड्स नए हैं शौक में बर्ड्स परचेस करने जाएंगे तो एक बर्ड्स परचेस करके एक पेयर बाय करके मत आइए, ठीक है। दो तीन पेयर को खुद अपने हाथों से पकड़िए और चेक कीजिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अगर आप दूसरी कोई बजीज का देखेंगे, ठीक है, जो 3 से 4 महीने का होगा, यंग होगा, तो उसका ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सब अगर एक शॉप या पेट शॉप में या किसी दोस्त के पास अगर तो 5 पेयर या 10 पेयर हैं तो सबके ऐसा चर्बी नहीं होगा, ठीक है, एक दो पेयर को ही होगा। तो आप बाकी जिनको चेक करेंगे तो उनको आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर इतना मांसपेशियाँ नहीं है, ठीक है, इतना गोश्त नहीं है, लेकिन इसकी अगर आप हाथ देंगे तो देखेगा कि बहुत ही ज़्यादा मोटा है इस जगह, ठीक है। और आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर एक जो कलर है, ये कलर थोड़ा चेंज होगा, आप इसे फूंक मार सकते हैं, मार के इस पर को हटा सकते हैं, या फिर हाथ से ही इसको हटा सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपको जो कलर है इसका ना थोड़ा सा येलो टाइप दिखेगा, ठीक है। नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल जो बजीज का थोड़ा सा रेड कलर में होता है, जैसा कि मांस का कलर होता है, ठीक है, पिंक टाइप ऐसा होगा, लेकिन इसका आपको थोड़ा येलो टाइप दिखेगा, ठीक है, थोड़ा येलो टाइप, या दूसरे कलर दूसरे बजीज का थोड़ा और भी हो सकता है, लेकिन इसका थोड़ा येलो टाइप है। इसको आपको यहाँ पर दबाना है, ठीक है। नॉर्मल जो बजीज होगा उसके, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर अगर हाथ देंगे तो हड्डी जैसा आपको दिखेगा, लेकिन वो तो दिखेगा ही, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा भी दबाएंगे ना, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे जो चमड़ी है वो कितना मोटा है, बहुत ही ज़्यादा मोटा है। और यहाँ से यहाँ तक का, जैसे पूफ और बीचे वगैरह कटता है, यहाँ तक का ऐसा हाथ देंगे ना, पकड़ेंगे ना, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना मोटा है ये जगह, एकदम मोटा है, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सारे पेट शॉप वाले ब्रीडर मार्केट में बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये एक देने वाला है, मादी के पेट में एक है, ठीक है। देखिए ज़रा गौर से देखिए, ये एक देने वाला ही मादी लग रहा है, जैसे कि इसमें पेट में एक है, देख सकते हैं आप इस जगह को, लेकिन इसके पेट में कोई भी एक नहीं है, टोटली चर्बी है। ये जिस मेल से पेयर बना हुआ है उस मेल के साथ अगर आप इंडिविजुअल केजेस में रखेंगे या कॉलोनी में भी रखेंगे तो दोनों एक साथ जाएंगे, मेटिंग करेंगे, चोंच से चोंच मिलाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे देख के बाय कर लिया तो आपको तो गया पूरा पैसा, गया टाइम, गया सब कुछ गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने जॉनसन निशानी बताई चर्बी देखने का, ठीक है, तो वो आप निशानी अप्लाई कर सकते हैं और आप हेल्दी वर्जी बाय कर सकते हैं, ठीक है। फिर से अगर आप देखने जाए तो ऐसा बजीज एक उड़ने में भी इसे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बड़े से केज में अगर आप छोड़ेंगे इसे, ऐसे बजीज को, ये डायरेक्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा, ये एक से दूसरे पर्च पे जाएगा या डायरेक्ट मिट्टी से एक जाली पे जाएगा, उस जाली से दूसरी जाली तक जाके ऊपर जाएगा, डायरेक्ट ही ऊपर नहीं जा सकता है। इसे उड़ने में थोड़ी सी बहुत सारी प्रॉब्लम भी होगी, ठीक है। तो ऐसे आप बजीज से बचिए, ठीक है, और हेल्दी बजी बाय कीजिए। और आते हैं कि मेल की तरफ, कि आपको मेल में कौन कौन सा निशानी, कौन कौन सा देखना चाहिए कि ये मेल भी ख़राब है, तो चलिए देखते हैं। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि मेल, आपको मेल में कौन से निशानियाँ देखने चाहिए और देख के अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये मेल आपको नहीं परचेज करना है, इस मेल में चर्बी है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जिसके लेग में प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो मैंने मेल को पकड़ लिया, एक मेल था, तो आप मेल को भी ज़रा गौर से देखिए, मेल का साइज़ कितना बढ़िया साइज़ का है ये,
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। जो बहुत से लोग आपको ये ऐसा भी बज्जीस दे देंगे, आपको बोलेंगे कि ये बढ़िया साइज़ का है, इसका साइज़ देखिए, इसकी सब कुछ बढ़िया है, इसकी हेल्थ भी बढ़िया है, ठीक है, बहुत मोटा ज़्यादा ये मेल है, लेकिन इसकी एज बहुत ज़्यादा है। इसकी एज आपको कम से कम ये 4 साल के आसपास का मेल है, ठीक है, 4 साल से 3.5 साल का बीच में है ये मेल, ठीक है। मैंने एक दोस्त से इसे परचेस किया है, ठीक है, उसकी उसने ही बताया कि इसकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक तरह से ब्रीड नहीं करता। तो मैंने इससे सारा कुछ परचेस कर लिया है, ठीक है, और करके मैं इसे मार्केट में सेल कर दूंगा। तो जैसे कि मैं सेल कर रहा हूँ मार्केट में, ठीक है, बहुत से लोग भी ऐसे होंगे जिनके बज्जीस, जौन से लोग बज्जीस खरीदते हैं वो लोग बेचते भी हैं, जिनके पास सेटअप है वो सेटअप बहुत दिनों से है, उनमें अगर 1000 पेयर, 500 पेयर, 200 पेयर है तो उनमें से आपको महीने में वो 10 या 5 पेयर तो डेफिनेटली ब्रीडर पेयर सेल कर देते हैं, क्योंकि वो ब्रीड में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं, मसले कर रहे हैं, एज ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। और जैसे कि मेरा वो दोस्त मुझे दिया है सेल करने के लिए, ठीक है, जैसे कि मैं सेल करूँगा तो कोई ना कोई इसे परचेस करेगा, ठीक है, और परचेस करके वो उसे भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या करें, ठीक है, जौन से आपके बज्जीस हैं वो ब्रीड नहीं करने वाले होंगे, ठीक है। अगर आप शौकिया पालते हैं, मतलब शौक के लिए कि ये मेरा बज्जीस शौकिया है, शौक के लिए मैंने इसे पाला एक पेयर दो पेयर को, तो मैं रखूँगा, आप भी रखेंगे, वो जब तक जिंदा रहे मैंने शौक के लिए पाला है। लेकिन जो लोग बिजनेस के सेटअप बिजनेस के लिहाज से पालते हैं, जिनके पास बहुत सारे पेयर होंगे, वो लोग बहुत सारे दाना वगैरह भी खाते हैं, लेकिन वो 100 पेयर में से 5 पेयर ब्रीड नहीं करते, तो उसे आप रखकर क्या फ़ायदा, उसे आप जाएंगे मार्केट या पेट शॉप में जाकर सेल कर देंगे। और जो लोग नए होंगे शॉक में, बिगनर्स होंगे, वो लोग परचेस कर लेंगे आपके जैसा, अगर आप इस शॉक में नए हैं तो आप भी परचेस कर सकते हैं। तो कुछ निशानियां मैं बोल देता हूं आपको, आपको उससे निशानियों को देख के अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जैसे कि मैंने बताया मादी को चर्बी वाली मादी, एज वाली मादी कैसा होता है, ठीक है, वैसा ही ये मेल भी आप देख के कैसे अंदाज़ा लगा पाएंगे। ज़रा गौर से देखिए इसकी हेड को, इसकी जो सीरी है पूरा डार्क ब्लू में है, ठीक है, जो पट्टे होते हैं उनकी इतना डार्क नहीं होता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसकी सीरी जो है देखिए कितना डार्क है, जो पट्टे होते हैं उनका सीरी इतना डार्क नहीं होता, ठीक है, और थोड़ा पिंकिश टाइप होता है, यह डार्क होने वाला ऐसा होता है, ठीक है। जिनकी एज 3 से 4 महीने की होती है, इनकी देखिए इनके जो सीरी है पूरा डार्क हो चुका है, इतना डार्क है कि आपको देख के अंदाजा लगा पाएंगे कि ये मेल डेफिनेटली है। और इसकी जो चोंच है विक, उसको भी ज़रा देखिए, पूरा एकदम डार्क, एकदम येलो होकर डार्क हो गया और काला जैसा हो रहा है, ठीक है। और इस साइड को यहाँ पर जो निशानी है इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लू ब्लैक इसको भी देख सकते हैं, कितना बढ़िया क्वालिटी का है। इनकी ये जब अंदाजा लगा पाएंगे, और यहाँ पे देखिए ये जो जगह है ये भी कितना रंग जो है कितना पूरा कवर हो चुका है। ये एक पाइट है बेसिकली, इससे आपको यहाँ पर कलर थोड़ा उतना महसूस नहीं होगा। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे कि जो यहाँ इस जगह को देख के एज का अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन ये पाइड है, आप इसमें बहुत सारे कलर मिक्स्ड होते हैं, ये जगह देखना थोड़ा बेकार है मेरे ख्याल से। और उसको पर को भी आप चेक करिए ऐसे, ठीक है, इसके पर का साइज देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, ठीक है, यहाँ से इस जगह को देखिए, इस जगह को जैसे कि मैंने फीमेल का बताया, इस जगह को इस यहाँ पे देखिए कितना चर्बी है यहाँ पे। अगर आप हाथ देंगे, जो मार्केट से आप बज्जीस बाय करना चाहेंगे उसको अगर हाथ देंगे, जो पट्टे होंगे उनको थोड़ा नरम होगा, इतना सख्त नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना सख्त है, ठीक है, कितना मोटा ताज़ा टाइप है। और यहाँ पर भी जैसे कि मैंने बताया फीमेल का आप हड्डी नहीं लगा पाएंगे अगर आप ऐसे हाथ देंगे, लेकिन मेल में उतना चर्बी कभी नहीं आता, मेल को थोड़ा सा दबाएंगे यहाँ पे तो हड्डी दिखेगा, लेकिन इस मेल को इतनी चर्बी है, ठीक है, कि इसके भी हड्डी नहीं नज़र आ रही है। और आते कि लेग की तरफ, लेग एक बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जो मेटिंग करते हैं पक्ष पर बैठते हैं सारे लेग के ऊपर ही करते हैं, क्योंकि इनका हाथ नहीं होता है। तो लेग पूरा ठीक होना चाहिए, मतलब लेग ऐसा तरफ होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन इसका लेग आप ज़रा गौर से देखिए कि कैसा है, इसका लेग
में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसकी जो लेग है इसको ज़रा गौर से देखिए, दोनों दो तरफ है या कभी नीचे आता है, मतलब लेग जो है कि पूरा सीधा नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा है, ये जगह थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए ये सब ब्रीड में प्रॉब्लम हो रही है। जब जब ये मेटिंग करता है तो इसकी जो एग होती है वो मादी के साथ जो मेटिंग करने की जो एग जो होती है वो सारे अनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। और जब आप इसको पकड़ेंगे ना ऐसे तो आपको ये हाथ में पूरी तरह से कवर नहीं होगा, इसको इतनी चर्बी है, तो आप ऐसे मेल से बचे रहिए, ठीक है। ठीक है, मैंने मेल और फीमेल का बता दिया कि आपको ऐसे एज का, देखिए इस पेयर को देखिए, जैसे मैंने बताया ये मेल और ये फीमेल आपस में चूँच से चूँच मिला रहे थे। आपको मार्केट में अगर जाएंगे तो आपको ऐसा पेयर मिल जाएगा, लेकिन आपको वो परचेज नहीं करना है, ठीक है। और इनकी आपको साइज़ भी देखिए, इनकी हेड देखिए, मेनली एक हेड होता है, जैसे कि मैंने चर्बी का तो बता दिया, हेड का बात करते हैं। इनकी हेड देखिए कितना बड़ा हेड है, ठीक है। इनकी एज ज़्यादा होगी, इनकी हेड भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का होगा और बहुत बड़ा हेड होगा, लेकिन पट्ठों में ऐसा हेड आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैं आपको पट्ठों का भी हेड दिखाता हूँ और साइज भी दिखाता हूँ। तो देखिए व्यूअर्स और दोस्तों, ये देखिए ये हैं पट्ठे, जो 3 से 4 महीने के पट्टे हैं। इनकी आप शरीर को देखिए कितना छोटा है, ठीक है, कितना छोटा है। और इनकी हेड को देखिए कितना पतला है हेड, और इसकी जो ये मेल है सामने जो तरफ है, इनकी चोंच और सिरी जो है कि उसको भी देखिए कितना, मतलब कि इनमें जो है कि पिंक टाइप है, मतलब जो रेड वाला जो हिस्सा वो कवर नहीं हुआ है, और उनकी सॉरी उनकी पिंक है वो जो सिरी है वो ठीक तरह से ब्लूइश नहीं हुआ है, ब्लू डार्क ब्लू नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा आपको पिंक कलर में भी है। और इनकी हेड देखिए कितना छोटा हेड है, और इनके साइज देखिए हेड से लेकर पूंछ के एंडिंग तक, विंग्स के एंडिंग तक जो साइज है वो देखिए कितना पतला है साइज, ठीक है। और आप लोग इन लोगों की साइज देखिए, हेड देखिए कितना बड़ा है, और हेड से लेकर पूरा पूंछ तक दूम तक देखिए कितना बढ़िया क्वालिटी का है, ठीक है। इनकी एज ज़्यादा होगी तो आपको ऐसे बजिस नहीं बाय करना है, इनकी एज ज़्यादा होती है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि एज कैसे देखना है, ठीक है। आप इन हेड और पर का, ठीक है, साइज का, ठीक है, और आयरिंग का, आयरिंग तो आपको उतना नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये फाइट हो चुका है। तो इन कुछ निशानियों को देख के आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये ओवर एज है, इनकी एज ज़्यादा है, और ये ब्रीड करने में इनको प्रॉब्लम होगी और ब्रीड नहीं करेंगे। और चर्बी का भी मैंने आपको दिखा दिया। तो वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस पेट संपर्क चैनल को, ताकि मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वो करने के लिए आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल वाली आइकन है उसे भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपको मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आपके बार पर पहुंच जाएगा। तो देखते रहिए पेट से हम बाहर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।